देखिए, इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालनी है। ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये दिस अपॉन दिस कर दिस अपॉन दिस होता है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि हम सिमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। ये 1 3 है, ये 3 1 है ना। तो यहाँ पे अगर हमने क्यू वन लिया माइनस क्यू वन लिया, यहाँ क्यू टू लिया माइनस क्यू टू लिया, तो इधर से हम इस पे, इधर से क्यू टू था तो इस पे माइनस क्यू टू प्लस क्यू वन क्यू टू डाल सकते हैं। इस पे हम माइनस क्यू वन, इधर से क्यू वन, तो माइनस क्यू वन और माइनस प्लस क्यू वन इस पे हम डाल सकते हैं। दूसरी बात, ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, है ना। तो आइसोलेटेड प्लेट्स हैं तो इस पे सम ऑफ चार्ज जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो इस पे माइनस क्यू वन है तो इस पे क्यू वन माइनस क्यू टू होगा, और इस पे माइनस ऑफ क्यू वन माइनस क्यू टू होगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज होगी इस पे, और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब मैं इस पे लूप लॉ लगा देता हूँ। अगर मैं लूप लॉ लगाऊँ तो मेरे पास आएगा क्यू टू बाई थ्री, यहाँ से यहाँ फिर जाऊँगा, मूव करूँगा, तो माइनस ऑफ क्यू वन माइनस क्यू टू बाई फोर, क्यू बाई सी लिख रहा हूँ, और माइनस क्यू वन बाई वन दैट्स इक्वल टू जीरो। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा क्यू वन और क्यू टू में रिलेशन, दैट इज 15 क्यू वन इज इक्वल टू 7 क्यू टू हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं जीरो वोल्ट मानता हूँ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ इसमें एक वी वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी है, ठीक है, तो यहाँ जीरो वोल्ट अगर मैं ज्यूम करता हूँ तो यहाँ पे जीरो वोल्ट होगा, तो यहाँ पे होगा क्यू बाई सी क्यू टू बाई थ्री, और यहाँ जो वोल्टेज होगी तो क्यू टू बाई थ्री यहाँ पे, और प्लस क्यू वन बाई वन, तो यहाँ जो वी की वैल्यू होगी, यहाँ जीरो है मान लीजिए, तो यहाँ वी वोल्ट होगा, जीरो है यहाँ वी वोल्ट है, तो वी की जो वैल्यू होगी वो होगी क्यू टू अपॉन थ्री प्लस क्यू वन अपॉन वन, तो वोल्टेज आ गया। अच्छा, मान लीजिए इन सब का इक्विवेलेंट जो है वो सी इक्विवेलेंट है, सी इक्विवेलेंट। अब यहाँ से क्यू वन गया, यहाँ से क्यू टू गया, तो सी इक्विवेलेंट पे क्यू वन प्लस क्यू टू है, माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू है, है ना। तो आप लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इन टू वी, तो वी इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट आ गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको क्यू वन प्लस क्यू टू बाई सी इक्विवेलेंट, है ना। अब देखिए अब Q2 की वैल्यू इधर भी Q1 के टर्म्स से पुट कर दें, Q2 की वैल्यू इधर भी Q1 के टर्म्स से पुट कर दें, तो दोनों तरफ से Q1 कैंसिल हो जाएगा और आपको C इक्विवेलेंट की वैल्यू आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है।